जी रात को फिर स्कर्दू पहुंच चुके थे, तो सतपाला लेक मिस कर दिया हमने, रात की वजह से नजर नहीं आई। तो हम स्कर्दू पहुंच चुके हैं, तो अभी नाश्ता नुश्ता किया है और अब जाके बाइक्स वगैरह की सर्विस वगैरह करवाएंगे और स्कर्दू वगैरह देखेंगे। अपर कचूरा लेक अगर हो सका तो देखनी है नहीं भाई, अपर कचूरा लेक और लोअर कचूरा लेक इंशाल्लाह देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं। ये हालत हुई हुई है जी बाइकों की, देवसाई जो है नेशनल पार्क में रात भर भी हो गई थी तो कीचड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ये बाइकों की हालत हुई हुई है, अभी तीनों बाइक्स मुकम्मल तौर पर अपना सबूत देते हुए कि इन्होंने वाकई ऑफ रोड किया है। बाइक्स का हाल आपने देख लिया है, कितनी गंदी हुई है। तो कोशिश करेंगे पहले इन्हें सर्विस करवाएं ताकि बाइक हमारी साफ सुथरी हो जाए, जंग ना लगे कहीं इन्हें। और मेरी बाइक का जो आयल है तो वो मैंने चेंज करवाना है, मैंने पहले रावलपिंडी से करवाया, तो आप यहाँ पे इंशाल्लाह इसका आयल चेंज करवाऊंगा ताकि इंजन जो है मेरी बाइक का वो सेफ रहे। और फिर मुआज भाई की बाइक देवसाई में ख़राब हो गई थी रात, तो वो भी चेक करवाएंगे कि क्या मसला था उसे, क्योंकि देवसाई में ख़राब हो गई जब उतराई है स्कर्दू पहुंच गए हैं तो तब वो फिर दोबारा से भाग रही है, ठीक चल रही है, तो वो चेक करवाएंगे कि उसे क्या मसला है, तो वो क्यों तंग कर रही है। सही नहीं चलता, आज सत बारह दी लाई है पता कर दे, मैं भी पता करना। ठंडा सीगा, ठंडा सी। तो ये जी स्कर्दू के बाजार हम पहुंच चुके हैं। तो ये जिस स्कर्दू का बाजार है आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रश है, अभी फिर भी सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह इतना रश है तो बाद में कितना होगा। तो काफी यहाँ पे गाड़ियां बहुत ज्यादा लोगों के पास है, बाइक्स भी हैं लेकिन गाड़ियां बहुत ज्यादा लोगों के पास है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं जी, मेरी बाइक का जो आयल है वो चेंज करवाना है, तो बाइक धुलवाने का पता नहीं हमारे पास टाइम होगा कि नहीं। मुआज भाई की बाइक भी चेक करवानी है, तो उससे आगे फिर हमने अपर कचूरा लोअर कचूरा लेक भी जाना है और हो सका तो सफरंगा डेजर्ट। तो एक दिन हम यहाँ पे रुकेंगे तो फिर कल देखेंगे कि कल हमने खपलू जाना है कि नहीं जाना, कि वापस घर जाना है कि नहीं जाना, तो अभी हमारा कुछ नहीं पता। तो अभी हमारे प्लान जो हैं वो उस हिसाब से नहीं चल रहे जिस हिसाब से हमने प्लान किए थे। तो अल्लाह का शुक्र है स्कर्दू तो हम पहुँच चुके हैं, तो इससे आगे क्या प्लान होगा हमारा अभी नहीं पता। अभी तो बस मुआज भाई की बाइक जो है वो चेक करवानी है, वो तंग बहुत कर रही है, आपने देखा है पिछली सारी वीडियोस में, तो पता नहीं कितनी मरतबा मुआज भाई की बाइक जो है हमने ठीक करवा ली है। तो मुआज भाई भी बाइक से थोड़ा सा तंग नज़र आ रहे हैं मुझे, तो अब देखते हैं कि मकैनिक क्या कहता है मुआज भाई का। अभी यहाँ पे जी ऑयल चेंज करवाने के लिए रुके हैं, तो ऑयल चेंज करवा के फिर बाइक की सर्विस वगैरह कहीं पे करवाते हैं, तो फिर जाते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारी डेस्टिनेशन वहाँ पे। मुआज भाई को मकैनिक के पास छोड़ के तो मैं और हनी भाई स्कर्दू के बस अड्डा पर आ गए हैं। तो ये स्कर्दू का बस अड्डा है, तो यहाँ पे हमारे आने का रीज़न ये था कि हम पता करें कि कौन सी बस है जो आज या कल रावलपिंडी जा रही है, लेकिन कोई बस नहीं जा रही थी। तो हमारा रीज़न मुआज भाई के लिए था कि ताकि वो अगर जाना चाहें तो अपनी बाइक बस पे रखे जा सके। तो यहाँ पे जी मुआज भाई अपनी बाइक का काम करवाते हुए, मकैनिक ने कहा जी बाइक जो है पेट्रोल ओवरफ्लो कर रही है जिसकी वजह से ये बाइक बंद हो रही है या नहीं चल रही, तो वो उसका कर रहे हैं काम। तो अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक चीज देखी है बड़ी स्पेशल। जब आप स्कर्दू आए तो अपने टैंक फुल करके आए, और स्कर्दू में आके आपको जहां से भी पेट्रोल मिले तो अपनी टैंक फुल करवा लें। अगर आपको पेट्रोल की किल्लत हो गई
तो फिर ऐसा ही हाल होगा जैसा कि हमारा हुआ। तो हमें पहला पेट्रोल पंप पता किया तो वहाँ से हमें पेट्रोल नहीं मिला, फिर हम अगले पेट्रोल पंप पे चले गए, वहाँ से भी हमें पेट्रोल नहीं मिला, फिर हम उससे अगले पेट्रोल पंप में चले गए और वहाँ से भी पेट्रोल नहीं मिला, और पेट्रोल जो था मेरी बाइक का वो भी ख़त्म होने के करीब था, रिजर्व लग गया था, और मुआज़ भाई का भी पेट्रोल ख़त्म होने के करीब था। तो फिर हम चौथे पंप पे गए तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है अब हमें पेट्रोल मिल गया। तो फिर हम पेट्रोल की लाइन में लग गए तो हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है तो इसे घंटा हो गया, इसका पेट्रोल जो है वो फुल नहीं हो रहा, तो पता नहीं कितने का डलवा लिया इस बंदे ने, तो काफ़ी देर लग गई है अभी तक ये पेट्रोल भरी जा रहा है भरी जा रहा है। तो पेट्रोल डलवा के हम जा रहे थे कचौरा लेके जाना, तो रास्ते में हमें सकरदो एयरपोर्ट है वो मिल गया, तो हम सकरदो एयरपोर्ट के सामने खड़े हो गए वीडियो बनाने के लिए। तो मुआज़ भाई और हनी भाई वीडियोस बना रहे हैं, तो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है सकरदो एयरपोर्ट का। तो अभी ये मेरे दाएं हाथ पे जो आपको नजर आ रहा है तो ये सकरदो एयरपोर्ट का जो रनवे है ये वो है, यहाँ से जितने भी फ्लाइट्स हैं यहाँ पे आती हैं और यहाँ से ही जाती हैं, तो ये जी उसका रनवे है। तो अभी हम जा रहे हैं जी अपर कचौरा लोअर कचौरा एक की जानब। अंदर नहीं गए, अंदर जाने की फीस थी तो हमने कहा ऊपर से देखेंगे, तो यहाँ से थोड़ी सी नज़र आ रही है, लेकिन हमने फिर मुकामी बंदों से रास्ता पूछा है तो उन्होंने जो रास्ता बताया है वो ये रास्ता है। तो ये जो रास्ता है ये जाता है अपर कचौरा लेके जाना, तो ये जो रास्ता है मुकामी ने बताया कि यहाँ से आप देख सकते हैं लोअर कचौरा लेक ऊपर से, तो हमने हम आप इस रास्ते की तरफ जाने लगे हैं। बातें सारे
ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਹੋ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਵੀ ਪੈਦਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। पीछे आपको रास्ता दिखाया था, एक उधर जाता है पुल की तरफ तो एक ऊपर का आता है, तो हम ऊपर आ गए थे, ऊपर गए हैं तो रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा है, तो हमने रिस्क नहीं लिया, हम वापस हो गए हैं, तो हम दूसरे रास्ते जाएंगे। हमें मुकामी ने बताया था कि यहाँ ऊपर से जाता है तो आपको दोनों लेक्स नज़र आ जाएंगे, लेकिन रास्ता बहुत ख़तरनाक है तो हम दूसरी तरफ से जा रहे हैं। ये पुल जाता है तो ये जो है पुल है, इस तरफ से हम जाएंगे, हम पहले इधर पीछे की तरफ थे तो इधर गए थे, इधर से आप ये पुल की तरफ जाएंगे और आगे इंशाल्लाह हमें नज़र आ जाएगी कचौरा लेक। कचौरा लेक अभी हम जा रहे हैं जी, अपर कचौरा लेक ही जाना। तो ये ट्रैक जाता है अपर कचौरा की तरफ, तो लोअर कचौरा का जो रास्ता था तो वही था जहाँ पे हम जा रहे थे, लेकिन वो रास्ता इतना ख़तरनाक था तो हमने नहीं सोचा कि वहाँ जाने का। तो अभी पूछते हैं वापस जाके कोई और रास्ता जाता हो तो फिर जाएंगे, नहीं तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है। अभी अपर कचौरा देखते हैं। ये रास्ता जाता है जी अपर कचौरा, ये रास्ता है जी लोअर अपर कचौरा का। तो यहाँ पे पहले आता है एक होटल, इसी होटल से होते हुए लोअर कचौरा के जाना, अपर कचौरा के कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे होटल बने हुए हैं। तो यही नीचे रास्ता जाता है, तो ये जा रहा है ट्रैक नीचे अपर कचौरा लेके जाना। काफी लंबा ट्रैक है ये नीचे नीचे के जाने जाने का, तो ऊपर आते वक्त पता चलेगा इसमें। सामने नहीं है, अभी नीचे जाना है और नहीं यहाँ से नजर आ रही है ना, हमने पास जाना सामने आ रही तो देखने तो लग पड़ी ना यार। देख जी नजर आना शुरू हो चुकी है यहाँ से, सामने आपको शायद नजर आ जाए, वो सामने नजर आ रही है लेक। यहाँ पे मुझे बोट्स भी नजर आ रही हैं, तो बोटिंग भी होती है यहाँ पे, और बच्चे नहा भी रहे थे कुछ तो अभी नहीं। यार क्या मंजर है इसका, वाह वहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं मेरे पीछे और यहाँ भी बोट्स करी हैं।
बड़ी प्यारी जगह है, बड़ा पुरसकून माहौल है यहाँ पे। तो हनी भाई कैसा लगी जगह आपको? हनी भाई वैसे पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं तो इनके रिएक्शन ऐसे नहीं है। मौज भाई बहुत अच्छा व्यू है, आप भी आइए विजिट कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब यार। यार एक ही मशहूरी आती है यार।